अगर फ्रेंड्स आपके पास वीवो का V27 है, आप लेना चाहते हो इस फोन में स्क्रीनशॉट, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन के 8 ऐसे तरीके जिनका यूज करके इस फोन में आप 8 अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन जब आप एक साथ प्रेस करते हैं तो आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। फर्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आपको शो होगा, तो आप गॉट इट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप इस फोन के अंदर 3 फिंगर डाउन करने पर भी स्क्रीनशॉट को बना सकते हो। तो यहाँ गॉट इट पर फिर से क्लिक करना होगा। अब आप 3 फिंगर से डाउन करेंगे तब भी आप देखोगे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अगर लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आपको जाना होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया के अंदर और वहां जाने पर एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए। लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहां दिखेगा, यहां क्लिक करके लॉन्ग इसको कर सकते हो। ऑटोमेटिक स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है, इसको इस तरह से स्क्रॉल करके भी आप लॉन्ग कर सकते हो। यहां सेव करेंगे तो स्क्रीनशॉट आपका लॉन्ग सेव हो जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको फनी स्क्रीनशॉट के काफी अमेजिंग फीचर मिल जाते हैं। उनका यूज करने के लिए कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए, एस कैप्चर पर जब आप क्लिक करेंगे तो फनी स्क्रीनशॉट नजर आएगा, यहाँ क्लिक कीजिए। जिसके बाद आप देख सकते हो कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाती है जिनको सेलेक्ट करने पर आप कुछ इस तरह की इमोजी लगा के स्क्रीनशॉट को बना पाओगे। तो इस तरह से इमोजी आ गई स्क्रीन पर, इसको सेव करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फनी स्क्रीनशॉट में और भी ऐसे फीचर है जिनको आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ क्लिक करके अब आपको यहाँ एरिया सेलेक्ट करनी होगी जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हैं, तो लेस स्क्रीनशॉट पर क्लिक कीजिए। आप किस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हैं वो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं, कुछ आप देख पाओगे। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से स्क्रीनशॉट ये बन जाता है, सेव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसके अलावा एक और फीचर रहता है यहाँ पे फनी स्क्रीनशॉट पर, फिर से क्लिक कीजिए, एक यहाँ पे ये मिल जाता है जो कि स्क्रीन पर आप लिख के स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी चाहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख के इस तरह से स्क्रीनशॉट को इसको सेव करेंगे तो इस तरह से भी स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको क्रॉप स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके लिए फिर से एस कैप्चर पर क्लिक कीजिए और इस फीचर को क्लिक कीजिए। जिस एरिया का अब आपको स्क्रीनशॉट चाहिए इसको आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, तो इस तरह से आपका स्क्रीनशॉट ये बन जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप इसको बाद में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कंट्रोल पैनल यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का डायरेक्ट फीचर मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक कर देंगे स्क्रीनशॉट के लिए तो आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट इस फोन में बना पाएंगे। लॉन्ग स्क्रीनशॉट ही डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीन पर रिकॉर्ड वगैरह करना तो आप यहाँ से ही अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर पाओगे। तो फ्रेंड्स ये सब फीचर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। इनका यूज करके अलग अलग तरीके से इस फोन में आप स्क्रीनशॉट को बना सकते हो। ऐसा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।